आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको सुना रहा हूं कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमूए हम वैशी हैं से एक अफसाना, जिसका अनुमान है जैक्सन। हम वैशी हैं वो मजमूआ है जिसमें कृष्ण चंद्र के लिखे हुए वो अफसाने हैं जो 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के हालात पर लिखे गए हैं। सुनिए कृष्ण चंद्र का अफसाना जैक्सन। राज जवान थी और यह की तरह सर्द और सख्त, सड़क भी सख्त थी और जैक्सन के भारी जूतों की चाप भी सख्त थी और सड़क के दो रवैया दरख्त भी पुलिस के संतरियों की तरह अकड़े हुए खड़े नजर आ रहे थे। उसी रात में, उसी आसमान तले, उसी सड़क के आर पार हर चीज सख्त, वाज़े और मुतय्यन थी। मिसाल के तौर पर जैक्सन को मालूम था कि वो शहर लाहौर का DSP वे, जिस सड़क पर वो चल रहा है वो इम्प्रेस रोड कहलाती है। वो क्लब से 6 पैक पीकर छड़ी घुमाता हुआ अपने बंगले को जा रहा था। पुलिस के 4 सिपाही उसके अकब में आ रहे थे ताकि कोई इस पर हमला ना कर बैठे। खुद उसकी जेब में एक भरा हुआ पिस्तौल था। उसने इस मुल्क में 20 साल नौकरी की है और अब 15 अगस्त 1947 में से 4 रोज बाकी रह गए जब यह मुल्क आजाद हो जाएगा और जैक्सन की बादशाहत उससे छिन जाएगी। जैक्सन गो एंग्लो इंडियन था लेकिन फिर भी वो अपने आप को सिर्फ अंग्रेज ही समझता था, इसलिए बादशाहत छिन जाने का उसे बेहद मलाल था। उसने इस मुल्क में 20 साल बादशाहत की थी। उस 200 साल की शहंशाहत में 20 साल के साम्राज्य इक्तदार का एक हिस्सा उसकी जिंदगी में भी आया था। वो पंजाब के हर जिले में रह चुका था और हर जिले में एक बंगला, 8 नौकर, 20 थानेदार, हवलदार और इंस्पेक्टर, सिपाही, हजारों लाखों अफराद पर मुश्तमिल मखलूक उसके तसर्रुफ में होती थी। 20 साल तक उसने इस मुल्क में बादशाहत की थी और अब 15 अगस्त को यह बादशाहत खत्म हो जाएगी। यह तारीख उसके हाफिजे में इस तरह गड़ी हुई थी जैसे उसके भारी भरकम जूते के तलवे में लोहे की कील, या जैसे रात की स्याह आहनी चादर में नीले सितारे। आज हर चीज सख्त, वाज़े और मुतय्यन थी, अपनी जगह पर ठोस और कायम। उसका फैसला भी उतना ही सख्त, ठोस और अपनी जगह पर अटल था। वो यहां 2 साल और मुलाजमत करेगा, फिर अपने वतन इंग्लिस्तान को लौट जाएगा। हिंदुस्तान उसका वतन न था। उसने नहायत सख्ती से अपने दिलो दिमाग को यह बात जता दी थी कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेज है और उसे इंग्लिस्तान वापस जाना है। और उसके दिलो दिमाग ने पुलिस के संतरियों की तरह उसके हुक्म की तामील की थी। अब वो 2 साल के बाद इंग्लिस्तान वापस चला जाएगा। उसने यॉर्कशायर में एक कॉटेज और एक डेयरी फार्म भी खरीद लिया है। अब 2 साल के बाद वो पेंशन लेकर यॉर्कशायर में अपनी बीवी और 2 लड़कियों के साथ रहेगा। ना कोई झंझट, न तकलीफ, ना मुसीबत। उसकी बीवी और 2 लड़कियां, बड़ी का नाम सत्या था और छोटी का रोजी, और दोनों ब्रट के नाच घर की जीनत समझी जाती थी। कई एंग्लो इंडियन लड़कों ने शादी की दरखास्त की लेकिन लड़कियों ने इनकार कर दिया। वो तो सिर्फ खालिस अंग्रेज से शादी करेंगी और वो भी अच्छे घराने के किसी अंग्रेज से। ये टॉमी वॉमी वो भी ना पसंद ना थे, ना वो दूसरी एंग्लो इंडियन छोकरियों की तरह उनके साथ घूमती थी। अपने ख्यालात में, अपने अतवार में और अपने अमल में दोनों लड़कियां अपने बाप की तरह सख्त और बर्फीली थी और बाप को इसका इल्म था। और जैक्सन को अपनी लड़कियों से जितनी मोहब्बत थी
उतनी शायद उसे अपनी बादशाहत से भी न थी। बिलखुसूस रोजी को तो वो बहुत चाहता था। रोजी इतनी खूबसूरत थी कि इंग्लिस्तान के किसी बड़े लॉर्ड से ब्याहे जाने के काबिल थी। नाचने में हमेशा अव्वल नंबर का इनाम हासिल करती, मुकाबले हुस्न में हमेशा मलका चुनी जाती, अपनी जमात में सब लड़कियों से ज्यादा नंबर हासिल करती। गाने में, पियानो बजाने में, तस्वीर कशी में, मोटर चलाने में उसे कमाल हासिल था। ये सब औसाफ सत्या में भी मौजूद थे, जो रोजी की बड़ी बहन थी, लेकिन जरा कम, जरा नासाफ, जरा खुरदुरे। कुदरती जौहर में जब फितरी चमक और जिला होती है, उससे सत्या महरूम थी। हाँ, एक बात में वो रोजी से कम नहीं थी, ज्यादा ही आगे थी, यानी हिंदुस्तानियों से नफरत करने में। रोजी को हिंदुस्तानियों से ऐसे ही नफरत थी, एक लाउबाली अनजान सी नफरत, जैसे उसे मछली खाने से नफरत थी। यूं ही, या उसने जैसे बाइबल में शैतान के बारे में पढ़ा था, इसी तरह उसके अब्बा और अम्मी ने उसे हिंदुस्तानियों के बारे में बताया था। उसे बसा औकात हिंदुस्तानी शैतान की तरह दिलचस्प मालूम होते। वो उनके मुतालिक अपने वालिद से किस्से सुना करती। ये किस्से उसके लिए अलिफ लैला से कम पुरअसरार न थे। डाकुओं के किस्से, जानों की खूरेजी के किस्से, औरतों को भगा ले जाने के अफसाने, जेब कतरने, चोरी करने और नाजायज शराब कशीद करने के किस्से, हिंदुस्तानी अफसर जो रिश्वत लेते थे, और हिंदुस्तानी सेठ जो नफा अंदोजी और चोर बाजार का धंधा चलाते थे। रोजी को बड़ी हैरत होती थी। ये बातें सुनकर उसकी जिंदगी स्कूल और ब्रेड के नाच घर और पिकनिक और टेनिस तक महदूद थी। उसमें खूबसूरत लड़के लड़कियां थीं, जवानी की उछल कूद थी, टेनिस के थिरकते हुए गेंद थे, और कभी कभी चांदनी रातों में ब्रेड के सायादार घने दरख्तों तले चलते चलते कमर में हाथ डालकर सांस रोककर ऐसे प्यारे लतीफ बोसे थे जो सिर्फ चांदनी से बने थे, सिर्फ जन्नत से आए थे और शहद की सी हलावत रखते थे। और दूसरे नंबर में तीतरी की तरह फिजा में गुम हो जाते थे, सिर्फ उनकी खुशबू बाकी रहती थी और देर तक दिमाग की तहों में तैरती रहती। ये जिंदगी हिंदुस्तान की जिंदगी से किस कदर मुख्तलिफ थी। कभी कभी नफरत करते हुए भी रोजी का जी चाहता कि वो किसी हिंदुस्तानी से बात करे। बात करने को तो यूं उसे कई हिंदुस्तानी मिले थे, लेकिन वो सब एंग्लो इंडियन तहजीब के नकाल थे, और रोजी को नकली चीजें पसंद ना थी, बल्कि वो लोग तो उसे और भी बुरे लगते। और वो एक सरसरी मुलाकात के बाद उनसे हेलो तक की वाकफियत भी ना रखती। और सत्या तो इतनी रासिकुल एतकाद थी कि आज तक किसी हिंदुस्तानी मर्द के साथ वो नाची भी ना थी, और इस कदर मोहताज थी कि कोई ये नहीं कह सकता कि उसके दूर पार के दोस्तों में भी कोई एक हिंदुस्तानी होगा। उसे अपने एंग्लो इंडियन होने का शदीद एहसास था, और अपने खिलते हुए सभी हुस्न के बावजूद जब उसे यूरोपियन लोग एंग्लो इंडियन समझते, तो वो अपने मुकद्दस एंग्लो सैक्सन खून में हिंदुस्तानी मिलावट को सलवाते सुनाने लगती। एक कमबख्त हिंदुस्तानी हर चीज में मिलावट करते हैं, दूध में, शक्कर में, घी में, कपड़े में, अनाज में, हर चीज में मिलावट। हत्ता के सत्ता के खून में भी उन्होंने ये गंदी मिलावट कर दी थी। डैम स्वाइंस। जैक्सन ने अपनी बेटियों को आला तरबियत दी थी और बुरे माहौल से बचा कि इसलिए रखा था कि वो इंग्लैंड के लिए महफूज हैं, और उनके रखरखाव में उसी जांच पड़ताल से काम लेता था जिस तरह वो दूसरे साम्राज्य कामों में।
यानी इंग्लैंड का फायदा हर हालत में मलूज खातिर रहे। ये लड़कियां उसके लिए फिलिस्तीन के मैंदियत से कम नहीं थी और अपने जहन की तख्ती पर उसने अपने दोनों बेटियों के बारे में नहायत जली हरूफ से रिजर्व्ड फॉर इंग्लैंड के लिए महफूज लिख रखा था। वो जब भी अपनी बेटियों से बात करता या उन्हें देखता या उनके मुतालिक सोचता तो तख्ती ये हरूफ उसके दिमाग में यूं चमकने लगते हैं जैसे रात के अंधेरों में पेट्रोल पंप का कॉटेक्स का इश्तेहार बिजली के कुकों में रोशन होते गुल हो जाते रोशन होते गुल हो जाते। रिजर्व फॉर इंग्लैंड अंधेरा, रिजर्व फॉर इंग्लैंड उजाला, रिजर्व फॉर इंग्लैंड अंधेरा, रिजर्व फॉर इंग्लैंड उजाला। उस वक्त भी जैक्सन अपने और अपनी बेटियों और अपने यॉर्कशायर के खूबसूरत घर के बारे में पुख्ता इरादे बांधता हुआ इम्प्रेस रोड से जा रहा था। हवा खुनक थी, सड़क सुनसान थी, मैदे में 6 पैग थे और जैक्सन के मजबूत कदमों की चाप थी और जैक्सन के रुखसार तमतमाए हुए थे और वो शराब की हिद्दत को अपने दिल में और अपने रुखसारों पर और अपनी आँख की पुतलियों में महसूस कर सकता था। चलते चलते से कदम रुक गए। यहाँ लड़कियों का कॉलेज था और एक उस्तानी से उसकी आशनाई थी, क्रिश्चियन उस्तानी, बड़ी पुरफन थी। उसने सोचा है कि वो सिपाहियों को लेकर कॉलेज के अहाते में चला जाए और कॉलेज के मुलहक बांगले में पहुंच जाए, फिर उस उस्तानी को जगा दे, फिर वो मुस्कुरा उठा। गलत है, उसे घर जाना है, और आगे चलने लगा और मोड़ को पार करके वो ऑल इंडिया रेडियो की इमारत से आगे निकलकर अपनी कोठी में दाखिल हो गया। दरवाजे पर खड़े हुए संतरियों ने उसे सलामी दी और फिर थोड़ी देर बाद उसके अकब में चलते हुए सिपाही उसके बंगले के दरवाजे तक आए और सलामी देकर वापस हो गए। उस वक्त जैक्सन अंदर जा चुका था लेकिन सलामी सिपाहियों के लिए फिर भी जरूरी थी। जैक्सन अंदर पहुंचा तो बेरे ने आहिस्ता से कहा, वो आ गए हुजूर। कहाँ बिठाया उन्हें? बैरे ने इशारे से कहा, महाशय निहाल चंद खोखरी तो सरकार के दफ्तर में बैठे हैं, मौलाना अल्लादाद पीरजादा को ड्राइंग रूम में बिठाया है। सरकार पहले किसे खबर करूं? जैक्सन ने कहा, तुम पीरजादा साहब को पेग वेग दो, मैं महाशय से बात करता हूं। महाशय निहाल चंद खोखरी लाहौर के हिंदुओं के मुमताज लीडर थे, गरीब हिंदुओं का भला चाहते थे। 3 अखबारों, 4 कोठियों और गुजरावाला में 10,000 एकड़ जमीन के मालिक थे। उनका बड़ा बेटा इंटरनेशनल बैंक का मैनेजर था और छोटा कांग्रेस एमएलए। उनका दामाद हिंदू महासभा का सेक्रेटरी था और वो खुद वेदांती सोशलिस्ट थे। यानी उन्होंने अपने फायदे के लिए मुस्तकबिल पर निगाह रखते हुए चारों खूंटों पर कब्जा कर रखा था और ऊंट की हर करवट का ख्याल रखा था। लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद बड़े जोरों पर था और उनका कोई रिश्तेदार मुसलमान ना था, न वो खुद किसी मसलहत से मुसलमान हो सकते थे। और इतनी दूर की और लंबी बात उनके जहन में भी ना आई थी कि पंजाब यूं आज़ादी के बिना पर तकसीम होगा और उनका खूबसूरत शहर लाहौर हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान के हदूद में रह जाएगा, वरना वो पहले से इंतजाम करते। और कुछ ना होता तो ख्वाजा हसन निजामी के ख्वाजा हसन निजामी की बात पर बैत करते या अजमेर शरीफ जाकर नी मुसलमान हो जाते। अब फसाद के शोले भड़क उठते थे, आतिश जदगी, बमबारी और कत्लो गारत गरी का मैदान गर्म था।
और पनाह की कोई सूरत न थी। जैक्सन से उनकी पुरानी मुलाकात थी और वो उसी से मशवरा करने के लिए चले आए थे। वल महाशय साहब, अरे मेरा खाता आपको मिल गया था? न्याल चंद बोले, तो आप बताइए क्या किया जाए। हिंदुओं की जाने खतरे में, शाह आलमी दरवाजा तो जल चुका है, सरबन के मोहल्ले के हिंदू खत्म हो चुके हैं, कृष्ण नगर, संत नगर, आर्य नगर के हिंदू भी, अगर लाहौर से बाहिफाजत ना निकाले गए तो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। डीएवी कॉलेज में राशन दो दिन के लिए बाकी रह गए, वहाँ 3,000 हिंदू पनागसी हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? जैक्सन ने पूछा। उन्होंने एक रोज हवाई जहाज से रोटियां डीएवी कॉलेज में फेंकी थी। रोटियों के साथ में ये रुखा भी था कि हम लोग आपको आपके निकालने का जल्द इंतजाम कर रहे हैं, मगर साहब अभी तो हालत बहुत बुरे हैं। सुना है 1500 मिलिट्री लॉरियों की जरूरत है और अभी सिर्फ 250 लॉरियों का बंदोबस्त हुआ है। हम लोग तो इंतजार करते करते मर जाएंगे। जैक्सन ने मुस्कुराकर कहा, हुकूमत सो रही है, कलकत्ता के डिपो में हजारों लॉरियां पड़ी हैं, खुद दिल्ली में, फिरोजपुर, लुधियाना, किसी एक शहर की लॉरियों को कांटेक्ट कर लिया जाए, 1500 लॉरियों का बंदोबस्त हो सकता है। अरे वो लोग कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएं? यहां भी तो जहन्नुम है। परमात्मा के लिए जैक्सन साहब, इस वक्त हमारी मदद कीजिए। अगर हम सबकी मदद आप ना कर सकते हो तो मेरे खानदान को यहां से निकलवा लीजिए। मैं हूं, मेरी बीवी है, 2 लड़के हैं, 1 दामाद है, मेरी लड़की है और हमारा एल्सेशन कुत्ता है। हम लोग हवाई जहाज से चले जाएंगे या मिलिट्री ट्रक से, बाकी लोगों को आप रेलगाड़ी से या पैदल जत्थे या किसी सूरत से भेज दीजिएगा, मगर पहले हमें रवाना कर दीजिए। जैक्सन ने एकाएक पूछा, आप कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? 10, 15, 20, 50,000, इस सब रुपए का क्या सवाल है? जैक्सन ने सोच सोच कर कहा, बड़ी मुद्दत के बाद अब फिलहाल 20,000 रुपया मेरे पास छोड़ जाइए, मैं मुस्लिम खिदमतकारों के सालार से जो मेरा वाकिफ है बात करता हूँ, मुमकिन है कोई सूरत निकल आए। मगर आपसे एक बात पूछता हूँ, आप भागते क्यों हैं? जमकर मुकाबला क्यों नहीं करते हरामजादे मुस्लिमों का? क्या कह रहे हैं आप? मुकाबला हाथों से हो सकता है साहब? वहां तो मशीन गने हैं उनके पास और राइफल और छर्रे। जैक्सन ने अपनी कुर्सी निहालचंद के करीब खिसका ली और बोला, अगर आपको भी ये सब सामान मिल जाए तो है वापस। उसने महाशय जी को शराब पेश करते हुए कुर्सी और करीब कर ली। महाशय जी का चेहरा रोशन हो गया, ये सच कह रहे हैं आप? जैक्सन ने कहा, हम पुराने दोस्त हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और सच बात तो यह है कि लाहौर पर दरअसल हिंदुओं का हक है, लाहौर हिंदुओं ने बनाया है, इसके बागात, इसके मकानात, इसके कॉलेज, इसके सिनेमा घर, इसकी सारी रौनक हिंदुओं के तरफ से है, वही लाहौर के मालिक हैं, उन्हीं को इसमें रहना चाहिए। मर्दों की तरह लड़िए महाशय जी, हम आपकी मदद करेंगे। आपके तसरुफ पे कितने आदमी हैं? महाशय जी ने पैग उठाते हुए कहा, लाहौर के हिंदू सिर्फ एक लीडर पर एतमाद रखते हैं और वो है महाशय निहालचंद खुकरी, जिंदाबाद, जैक्सन ने कहा। फिर उसने घंटी बजाई और बैरा के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद बैरा वापस आ गया और साहब के कान में कुछ कहकर बाहर चला गया। जैक्सन ने कहा, अभी आप यहां बैठिए, एक आधे घंटे में सब इंतजाम हुआ जाता है, मैंने टेलीफोन करवाया है, अभी असलाह जात की भरी हुई एक मिलिट्री लॉरी आपके साथ भेजता हूं और एक आदमी भी जो आपके आदमियों को तरबियत भी दे सकेगा।
क्यों ठीक है ना। महाशय जी दस बस्ता खड़े हो गए, ईश्वर आपको इसका आजर देगा। जैक्सन साहब, जैक्सन ने उठते हुए कहा, मुझे अभी एक और साहब से मिलना है, आप यहां बैठिए, एक और बैग पीजिए, आज सर्दी बहुत है ना। और वहां असलाजात की कीमत वो लॉरी ड्राइवर आपसे वसूल कर लेगा। शुक्रिया महाशय न्याहल चंद चाय के, मगर एक बात है, वो आप मेरे खानदान को अमृतसर ले जाने का बंदोबस्त जरूर कर दीजिए, मैं बाकी यहां सब बंदोबस्त करके वहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा। ड्राइंग रूम में मौलाना अल्लाह दाद पीरजादा तशरीफ फरमा थे और बेझिझक मैनौशी कर रहे थे। कहिए मौलाना, मजे में है? छोड़िए ना जैक्सन साहब, छोड़िए ना जैक्सन साहब ये बातें, मजे तो पुलिस वालों के हैं। आजकल सुना है लाहौर के हर पुलिस के सिपाही ने इतना सोना लूट लिया है कि अब 7 पुश्तों के लिए काफी होगा। इसके लिए अब संतरियों का यह हाल है तो आपका बंगला तो सोने की ईंटों का होना चाहिए। बड़े सुअर हो मौलाना, जैक्सन ने उनकी पीठ थपकते हुए कहा। जब ही तो CID में काम करता हूं हुजूर। तो बोलो क्या बात है? सुनिए, मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा अमीर हिंदू और सिख लोग रहते हैं। 2-3 बार हमला करने की कोशिश की गई मगर वहां डोगरा सिपाहियों ने एक ना चलने दी। फिर उन लोगों के पास पिस्तौल वगैरह हैं। अभी चंद रोज हुए सर्कुलर रोड के मुसलमानों का एक जत्था हमला करने की नीयत से गया था, 40 आदमी मरे। हमारे पास हथियार कहां है? हिंदुओं के पास ना जाने कहां से बम, मशीन गने, राइफल, पिस्तौल सब कुछ आ जाते हैं। बेचारे गरीब मुसलमानों को खाली खोली छुरों और चाकों से लड़ना पड़ता है। तो मैं असलाहजात कहां से दिलवाऊं? तुम भी कैसी बातें करते हो अल्लाहजात? असलाहजात रुपए के बगैर नहीं मिल सकते। मेरे पास होते तो मैं ना दे देता। मुझे तो हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रहना है। हिंदू बनियों से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है और फिर इस्लाम की तालीम हमारे ईसाई मजहब से मिलती जुलती है। ईसाई मुसलमान के साथ मिल सकता है लेकिन हिंदू के साथ उसका निभा नहीं हो सकता। मैं रुपया लाया हूं, मौलाना ने मुस्कुराकर कहा। कहां है? एक मुसलमान जागीरदार को फांसा है दीन के नाम पर और कुफर के खिलाफ जिहाद करने के लिए 50,000 रुपये लाया हूं। आप जल्द अज जल्द असलाहजात का इंतजाम कर दीजिए, हम लोग मॉडल टाउन को लूटना चाहते हैं। जैक्सन ने घंटी बजाई, बहरा हाजिर हुआ और जैक्सन साहब ने उसे कान में कुछ कहा, वो वापस चला गया। चंद मिनट बाद आया तो उसने फिर जैक्सन साहब के कान में कुछ कहा और फिर वापस हो गया। जैक्सन ने 50,000 का नोट लेकर कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, तुम ड्राइवर को दे देना। मैंने असलाहजात की एक लॉरी मंगाई है, अभी आधे घंटे में आ जाएगी, उसे लेकर चले जाओ। और देखो आइंदा मुझे परेशान ना करना। आप सुन लो, मैंने ये असलाहजात बड़ी मुश्किल से मंगाए और जो दाम वो मांगते थे उससे कहीं कम कीमत पर। मैंने कहा गरीब मुसलमान है, इतने पैसे कहां से दे सकेंगे? ये तो मैं मुफ्त में पढ़ रहा है, ले जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुसलमानों के लिए मैंने इतना कुछ किया है और तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझे पुलिस सुपरिंटेंडेंट ही बना दो। एहसान फरामोश कहीं के। पीरजादा ने दूसरा पेक पीते हुए कहा, बड़ी अच्छी शराब है, कहां से मंगाई है? पुरानी फ्रांसीसी शराब है, एक हिंदू राजा ने भेजी है, उसकी रानी को लाहौर से बाहिफाजत दिल्ली पहुंचवा दिया था। रानी खूबसूरत होगी।
पीरजादा ने होठ चाटते हुए कहा, पुरानी फ्रांसीसी शराब की तरह। डैम स्वाइन, जैक्सन ने हंसते हुए कहा, और तुम क्या कहोगे? सुना है कि आजकल हर रोज एक नई हिंदू कुंवारी। अल्लाह देता है। पीरजादा मुस्कुराकर पैग अपनी आंखों के सामने लाया। बिजली की रोशनी में शराब पिघले हुए सोने की तरह चमकने लगी। जब दोनों लॉरियां यके बाद दीगरे 20 मिनट का वक्फा रख के दो मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गईं, तो जैक्सन अपने बूट खोले बगैर ड्राइंग रूम के दीवान पर दराज हो गया और चिरट के घने धुएं में अपने मुस्तकबिल की मंजरकशी करने लगा। उसकी बीवी अधेड़ उम्र की हो गई थी, वो उसे विलायत नहीं ले जाएगा, बल्कि उसे यहां तलाक देकर एक माकूल रकम देकर उसे पीछा छुड़ा लेगा, क्योंकि उसकी बीवी का रंग उसकी बेटियों की तरह सभी ही न था, बल्कि उसमें महजियत की झलक नुमाया थी। इसलिए जैक्सन कभी अपनी बीवी को यूरोपियन लोगों की ऊंची पार्टी में ना ले जाता था। हाँ, अपनी बेटियों से तो बड़ी मोहब्बत थी। वो अपनी बेटियों को विलायत ले जाएगा और वहां 100% खालिस अंग्रेजों से उनकी शादी करेगा। अब उसके पास इतना रुपया हो गया था कि उस रुपये से अपनी लड़कियों के लिए आला खानदान के शरीफ लेकिन गरीब अंग्रेज लड़कों को खरीद सकता था। वो खुद भी एक शादी करेगा किसी हसीन परी जमाल अंग्रेज से, जिसका अपना हलका होगा और फेयर हॉल में उसके आबा व अजदाद की तस्वीर लटक रही होंगी और उसके माथे पर मोतियों का ताज होगा, पुराना खानदानी नॉर्मन ताज, और रोजनामा लंदन टाइम्स में उनकी शादी की तस्वीर छपेगी। जैक्सन ने मुसर्रत का सांस लिया और बेल से पूछा, छोटी मेम साहब लोग किधर हैं? ब्रट से आए नहीं के? बेले ने जवाब दिया, बड़ी मेम साहब सत्या साहब आ गई, छोटी मेम साहब रोजी साहब सुबह आएंगी, नाचने का मुकाबला है। ये चिट्ठी छोटी मेम साहब रोजी साहब ने आपके वास्ते दिया है। जैक्सन ने दूसरा पैग गुंडेला और चिट्ठी खोलकर दीवान खाने पर दराज हो गया और इत्मीनान से अपनी चहेती बेटी का खत पढ़ने लगा। प्यारे से प्यारे डार्लिंग पप्पा, ये तुम्हारी प्यारी बेटी रोजी का खत है जो तुम्हें ब्रट से लिख रही है। आज यहां नाच का मुकाबला है ना, लेकिन सत्या जल्द घर लौट रही है और मैं यहां ठहर रही हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं अव्वल नंबर पर आऊंगी, इसलिए इनाम को भी क्यों छोड़ू। लेकिन इस वक्त मैं ये खत तुम्हें प्यारे पप्पा इस मतलब के लिए नहीं लिख रही हूं, वो इस वक्त मेरे सामने खुशपोश खूबसूरत जोड़े राजहंसों की तरह नाच घर के फर्श पर तैरते हुए दायरे में गुजरते जा रहे हैं और हसीन फानूसों की रोशनी है और ऑर्केस्ट्रा की नगमा बारियां हैं और एक हसीन तिलाई गुबार सा फिजा में छा गया, जैसे सूरज और चांद यकजा हो गए हों और हमारे दिलों में उतर आए हों। मैंने थोड़ी सी शेरी पी ली है इसलिए शायरी कर रही हूं, मगर मैं तुम्हें यह खत शेरी या शायरी या रक्स के लिए नहीं लिख रही हूं। यह खत तुम्हें अपने साथी के मुतालिक लिख रही हूं जो इस वक्त मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है और मेरी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा है। इसका नाम आनंद है। हाँ, यह हिंदुस्तानी है और मैं इसे पिछले 2 बरस से जानती हूं। तुम चौंक पड़ोगे पप्पा और शायद खफा भी हो गए, लेकिन आनंद ऐसा लड़का नहीं जिस पर कोई खफा हो सके। वो इतना अच्छा नाश्ता है कि ब्रट में कोई एंग्लो इंडियन या अंग्रेज लड़का भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आनंद का रंग सांवला है और तुम्हें मालूम है मुझे सांवले रंग से कितनी नफरत है। इसीलिए तो जब आनंद मुझे पहली बार ब्रट में मिला और मुझसे मुतारिफ हुआ तो मैं बड़ी दृष्टि से उसके साथ पेश आई, लेकिन दूसरे हिंदुस्तानी लड़कों की तरह वो खफीफ नहीं हुआ।
तो बुरा भी नहीं माना, बल्कि सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुम जानते हो पापा कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों से मेल जोल पसंद नहीं करती, लेकिन आनंद की मुस्कुराहट में कोई बात जरूर है। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ गोया मेरे दिल के रंगीन महलों की दुनिया की बुनियादें डोलने लगी। आनंद की मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है, उसका कद 6 फुट है, उसकी कमर चीते की तरह पतली है, उसकी आंखें गहरी स्याह और चमकती हुई हैं, और जब वो कमर में हाथ डालकर रक्स करता है तो रक्स गांव पर जैसे अंधेरा सा छा जाता है। जहन में जैसे बंगाल के जंगल नमूदार होते हैं और हजारों पेड़ झुकने लगते हैं और सब चिकने पत्ते निगाहों में झूलते हैं और चीतों और शेरों भेड़ियों और जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा घर बंगाल के किसी जंगल में है और मैं एक शिकारी की बीवी हूँ और दरख्तों की छाल लपेट कर एक भील के साथ जंगल में नाच रही हूँ। तुम सच मानना पापा, आनंद के साथ पहले नाच में मैंने ये सब कुछ महसूस किया था, और 1 साल तक वो बराबर मुझसे मिलने मुझसे बात करने का ख्वाह रहा, लेकिन मैंने एक अच्छी एंग्लो इंडियन लड़की की तरह हमेशा उसे ठुकरा दिया। आनंद पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर है, उसका बाप गुजरांवाले का रईस है। आनंद विलायत हो आया है, उसके पास एक पिकार्ड है, कई अंग्रेज महबूबाओं की तस्वीरें हैं जो उसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन मेरे दिल पर इन बातों का मुतलक कोई असर ना हुआ। पूरे 1 साल तक मैंने उसे बात न की और वो मुतवातिर ब्रट आता रहा और जलील कस्म की एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन छोकरियों के साथ नाचता रहा। पहले पहल तो वो नाश्ता भी अच्छा ना था, फिर बीच में 3-4 माह गायब रहा, फिर जब आया तो इतना अच्छा नाश्ता था कि एक रोज मुझे उसके साथ नाचना पड़ा। इसी पहले नाच के तासुरात मैंने तुम्हें अभी बताए। नाच के बाद हम एक मेज पर बैठ गए, मुझ पर जैसे किसी ने मेस्मरिज्म कर दिया था। आनंद ने पूछा, तुम मुझसे हिंदुस्तानी से नफरत करती हो? मैंने कहा, तुम्हारे जिस्म से बू आती है। आनंद ने कहा, मुझे सूंघ के देखो, बू आती है? मैंने सूंघ कर कहा हाँ, मगर ये तो एक अजब सी अच्छी सी बू है, मुझे इकरार करना पड़ा। आनंद ने कहा, अब तुम टॉमियों और दूसरी अंग्रेज लड़कियों के जिस्म सूंघो, 100 में से 10 हिंदी जिस्म बदबूदार होंगे और 100 में 50 अंग्रेज जिस्म बदबूदार होंगे। बदबूदार और बगैर गुस्ल किए ये गंदगी यूडी कलोन से कहीं छुपती है? और तुम लोग काले जो? आनंद हंसा, उसके सामने चेहरे पर तो सफ़ेद दांत ऐसे चमक उठे जैसे बिजली कौन गई हो, और मैं घबरा सी गई। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं। आनंद बोला, हिंदियों के दांत बड़े खूबसूरत होते हैं, सांवले चेहरे पर बड़े खिलते हैं, इसका एक रंग नहीं होता, कई रंग होते हैं, कई रंगों की तरकीब से हुस्न तामीर होता है। और मैंने कहा, और मुझे पप्पा ने बताया है कि तुम लोग बड़े धोखेबाज जालसाज और बददियानत होते हो। आनंद बोला, तुम्हारे वालिद पुलिस ऑफिसर हैं, वो हमें उन हिंदुस्तानी से परखते हैं जो रोज़ो शब थाने में लाए जाते हैं। अगर मैं स्कॉटलैंड यार्ड का अफसर होता तो मैं भी अंग्रेजों के लिए शायद यही अल्फाज इस्तेमाल करता। तो क्या तुम नहीं जानती हो कि अब 2-1 सालों में तुम लोग यहां से जाने वाले हो? कांग्रेस और लीग की तंजीम तुमने देखी है ना? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने गुस्से से जलकर कहा, पर तुम हिंदुस्तानी होते हो सुअर की औलाद। और मैं ये कहकर के मेज से उठ गई। आनंद मुस्कुराता रहा। जब मैं जा रही थी तो उसने कहा, सुनो, मैं 5000 बरस पुराना हूं, बहुत दाव जानता हूं, एक दिन तुम्हें काबू करके छोड़ूंगा। मुझे उसका यह चैलेंज पसंद ना आया,
मगर शायद दिल के एक टुकड़े को पसंद भी आया, क्योंकि उसके बाद गैर इरादी तौर पर उसके साथ मसाफ आया ना सुलूक करने लगी। बज़ाहिर नहीं, दिल के अंदर उसे अपने बराबर का समझने लगी। ना जाने ऐसा क्यों हुआ, और जब कभी हमारी निगाहें एक दूसरे से चार हुई तो निगाहें पहले मुझी को हटानी पड़ती, और उसकी मुस्कुराहट तो पहले कह चुकी हूँ बहुत खतरनाक है। दिल काटने सा लगता है, जिसम सुन हो जाता है और गले में फंदा सा पड़ने लगता है। फिर 3-4 माह गुजर गए और मैं उसके साथ कभी नहीं नाची। इतने अरसे के बाद इनामी मुकाबले का दिन आया, चारों नाचार मुझे मर्द साथियों में उसी का इंतखाब करना पड़ा, क्योंकि उसमें कोई शक ही नहीं कि उसे बेहतर नाचने वाला साथी मुझे मुकाबले के लिए कहीं नहीं मिल सकता था। हम दोनों ने इनाम हासिल किया। इनाम हासिल करने की खुशी में हम दोनों ने इकट्ठे शराब पी एक ही जाम से। वो मेरा बोसा भी ले सकता था, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया, और मुझे बड़ी राहत ही हुई, क्योंकि वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मुझे चूम रहा है, उसे प्यार कर रहा है। मेरे गिर्द हजारों बाहें से लिपटी जा रही हैं, सांवली सांवली ताकतवर बाहें, और मैं अपने आप को उनकी गिरफ्त से नहीं छुड़ा सकती, और मैं खौफजदा होकर उसकी मेज से उठ जाती हूँ, और वो नहीं समझता कि मैं उससे क्यों भाग रही हूँ, और मैं नहीं समझती कि मैं उसके नज़दीक क्यों आ रही हूँ। हम दोनों का वतन अलग है, कौम अलग है, मजहब अलग है, तहजीब अलग है, बोल चाल, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ अलग है। फिर इस कदर शदीद कुर्ब का अजियतनाक एहसास मुझे क्यों होता है? अक्सर रातें मेरी यही सोचते सोचते आंखों में कट गई हैं। मैं सब कुछ तुम्हें प्यारे पप्पा नहायत तफसील से लिख रही हूँ, ताकि तुम अपनी प्यारी रोजी के फैसले और उसके मुस्तकबिल की तस्वीर से आगही, गहरी आगही हासिल कर सको। अब मैंने उसे छुप छुप के मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रेट में लोग उसे रोजी का इंडियन पार्टनर कहने लगे थे, और सत्या इस अमर को सख्त नापसंद करती थी। और अगर मैं आनंद के साथ मलातफत से पेश आ गई तो पप्पा तुम्हारी बदनामी भी होती, और लोग कहते कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मिस्टर जैक्सन की लड़की एक काले हिंदुस्तानी से इश्क करा रही है, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। इसलिए मैं उसे छुप छुप के मिलती। हम लोग अक्सर मेट्रो में नाचने के लिए जाया करते, वहाँ सब हिंदुस्तानी लोग होते हैं और ऑर्केस्ट्रा तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ मुझे पहली बार बहुत से हिंदुस्तानी लड़कों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, आर्टिस्ट, अदीब, सियासतदान, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अकाली, खद्दरपोश, ये लोग जो हिंदी फिल्मों की बातें करते थे, हिंदी किताबों की, हिंदी मजदूरों कानों की, मुल्क कौम को आगे ले जाने की बातें, संजीदा बातें, खौफनाक बातें, अंग्रेजी राज को उलट देने की बातें, सारी दुनिया में एक बिरादराना निज़ाम, एक नई इंसानियत को जन्म देने की बातें, ऐसी बातें जो मैंने ब्रट इंस्टीट्यूट में कभी ना सुनी थी, ऐसी बातें जो मैंने स्कूल या घर में कहीं ना सुनी थी, ऐसी बातें जिसे मिलकर इस दुनिया का सुख दुख रंज और खुशी बनती है, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर कुछ काम करने को जी चाहता है। पापा, अब मुझे मालूम हुआ कि तुम और तुम्हारी दुनिया कितनी फरसूदा है। मुझे इस दुनिया से प्यार है, तुमसे, मम्मा से, सत्या से, मगर तुम अब मिस्री मम्मियों की तरह पुराने हो चुके हो, प्यारे मगर पुराने, उन रोमन बुतों की तरह जो अजायब घरों में रखे हुए हैं। इन 2 सालों के अरसे में मैंने क्या क्या किया, मैं ये सब कुछ बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने तुमसे और सत्या से और मम्मा से छुप के सारी दुनिया की नज़रों से छुपा कर किया है। मैंने इन 2 सालों में हिंदुस्तान से मोहब्बत करना सीखा है, मैंने इसकी बोली सीखी है, मैंने इसे कपड़े पहने हैं, मैंने इसे खाने खाए हैं, मैंने इसके गीतों को गाया है, इसके नाच गानों में हिस्सा लिया है, मेरे बदन पर साड़ी इस कदर अच्छी लगती है कि क्या कहूँ। जी चाहता है दिन भर उसे अपने जिस्म से लिपटाए रखूँ। मुझे कथकली और भरतनाट्यम के रक्स की अब्दी गनाइयत से इश्क हो गया है। 200 साल से मेरे ज़मीर पर जो जंग चढ़ चुका है अब वो उतर गया है। पापा, मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ,
मेरे रगों में हिंदुस्तान का खून है। तुम भी हिंदुस्तानी हो पापा, गौर से देखो तो मालूम होगा कि हमारे चेहरे बिल्कुल अंग्रेजों से नहीं है। इनमें 5,000 साल पुराने नकूश उभरते नजर आते हैं। तुम में, सत्या में, मम्मा में, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। गौर से देखो, मैंने इन 2 सालों में हिंदुस्तान को गौर से देखा है। ये लोग इतने ही बुरे भले हैं जितने हम लोग। पापा मुझे अब जलेबियाँ और अमृतियाँ सॉरी पापा अब मुझे जलेबियाँ और अमृतियाँ और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं, और खोया और दाल मोट और शलवार कमीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मुगले खाने तो इतने अच्छे होते हैं कि हम लोगों के खाने तो बिल्कुल जंगली से मालूम होते हैं। कोरमा और रोगन जोश और शामी कबाब और मुर्ग मुसल्लम और जर्दा पुलाव। पापा सच कहती हूँ, तुमने तो फीके बदमजा खाने और सूप पिला पिला कर मार डाला। अब भी घर में पीती हूँ मगर आइंदा से कभी नहीं पीऊँगी। तुमने मेघदूत का तर्जुमा नहीं पढ़ा, वरना हिंदियों को कभी वैशी ना कहते। उस रोज बादल घिर के आए थे और हमारे सरों पर लोकाट के पीले पीले गुच्छे लटक रहे थे, और ऐसी जहाँ बख्श कनक धूप थी जब आनंद ने हमें मेघदूत के शेर सुनाए। शेक्सपियर की अजमत और गोयटे का फलसफा और शेले का इश्क, ये सब कुछ मेघदूत में है। जो कौम ऐसी शायरी कर सकती है उसे गैर महज़ब कहना अपनी हमाकत का सबूत देता है। पापा तुमने 16 साल तक मुझसे धोखा किया, तुमने जिंदगी भर अपने आप को धोखे में रखा। तुमने अपने खून से अपने हिंदीपन को अलग करना चाहा, तुमने अपनी कौम पर हुकूमत की जबकि तुम्हें उसकी खिदमत करनी चाहिए थी। तुमने हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया और आज भी असलाह जात देकर उन्हें लड़वा रहे हो जबकि तुम्हें उनके जख्मों पर बरहम रखना चाहिए था। आज मेरी आंखें खुली हैं और मैंने उस जिंदगी को छोड़ देने का फैसला किया है। मैं आनंद के साथ जा रही हूँ। आनंद के पास अब कुछ नहीं है, उसका घर लुट चुका है, उसकी पेकार्ड जला दी गई है, उसके माँ बाप कत्ल किए जा चुके हैं। उसके पास एक कमीज है और एक पतलून, लेकिन उसका दिल अपना है, उसकी रूह अपनी है, उसकी तहजीब उसके पास है, और वो जज्बा इंतकाम से मगलूब नहीं। हम हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज़ और यहूदी, रूसी और अमरीकी मुसरत के एक ही डेरे में आ जाते हैं। पापा तुम्हारी खलंडरी लड़की एक कॉटन की साड़ी पहनकर महाजरीन के कैंप में जा रही है। हम लोग हिंदुओं के पास जाएंगे, मुसलमानों के पास जाएंगे, और शायद कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, और शायद इस तरह हमारी मौत भी हो जाएगी, और शायद ये बड़ी हिमाकत होगी, बड़ी भारी गलती होगी, एंग्लो इंडियन समाज से गद्दारी होगी। मगर कोई मुझसे न जाने कौन बार बार यही कहता है, तेरा यही कर्तव्य है, तू इसी तरह अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करेगी, तू इसी तरह 200 साल की नदामत के दाग धोएगी, तू इसी तरह अपने रूह का सच्चा हुस्न हासिल करेगी। तू हिंदुस्तानी औरत है, तेरा मुकाम खिदमत है, नाच घर नहीं। रोजी। जैक्सन लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा, उसका नशा गायब हो चुका था। उसने जल्दी से 2 पैग उंडेले और यके बाद दीगरे जल्दी जल्दी पी गया। वो चलता चलता कद्दे आदम शीशे के सामने पहुंच गया। वो अपनी तरफ हैरत से देखने लगा। मैं जैक्सन हूँ, रोजी मेरी बेटी है, ये रोजी का खत है। उसकी आंखों के नीचे गड़े पड़ गए। यकायक उसे मालूम हुआ कि उसके चेहरे पर हिंदी खत्तोखाल नुमाया हो रहे हैं। ये नाक अंग्रेज की नहीं है, ये होंठ अंग्रेज के नहीं है, ये माथा, ये कान, ये आंखें, ये टुडी, ये ठोड़ी, ये तो अंग्रेज के नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं नहीं, मैं अंग्रेज हूँ, मैं अंग्रेज हूँ। मेरा घर यॉर्कशायर में है, मेरी बीवी एक अंग्रेज क्वेटस है, उसके सर पर रोमन ताज है, वो फेयर हॉल में मेरा इंतजार कर रही है। उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया, क्योंकि अब फिर वही हिंदुस्तानी खद्दोखाल उभर रहे थे।
वही हिंदुस्तानी माथा, वही काले बाल, वही ठोड़ी, वही होंठ, वही कान, वही लब, वही हिंदी आंखें। भूमों की तराश तक तो हिंदुस्तानी है। जैक्सन चीखा, नहीं नहीं, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं अंग्रेज हूं। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं अंग्रेज हूं, खालिस अंग्रेज। यॉर्कशायर, डर्बी, नॉर्मन, थोबरी, नाइट, शाह आर्थर, शीशे के चारों तरफ हिंदुस्तानी कहे लगा रहे थे। और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी चारों तरफ हिंदुस्तानी चेहरे कहे लगाते हुए करीब आते हुए और करीब आते हुए जैक्सन ने पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया। दूसरे लम्हे वो फर्श पर गिर गया। उसकी कनपटी से खून बह रहा था। यह था कृष्ण चंद्र का अफसाना जैक्सन।